अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज एक और रिव्यू बहरिया के एक रेस्टोरेंट का, जो कि है बस्ती के नाम से। तो बस्ती, ये एक छोटी सी बस्ती जिसमें बहुत ढेर सारा खाना आपको मिलेगा, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट स्टेशन्स, इसमें बारबेक्यू से लेके कढ़ाई, मीठा, आइसक्रीम, कुल्फी, हर आइटम आपको एक ही जगह पे मिलेगा। तो चलते हैं जनाब, म्यूज़िक के साथ साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें म्यूज़िक अपना बिल्कुल सेट करता है, लाइव करते हैं, ये एम्बियंस और इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा सा ये प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं आपको हर एक स्टेशन विजिट कराते हैं कि हमारे पास क्या क्या। सबसे पहले मेरी जनाब हमें मिलेगी सब्जी। तो जी, ये बलोची सौगात, बलोची सब्जी, बलोची सब्जी के साथ ही हम उसके बाद एक कोयला घर, इसमें डिफरेंट इनके पास बारबेक्यू आइटम्स थे, इनके पास राइस थे, इनके पास इस तरह की चीज़ें। फिर नेक्स्ट स्टेशन जनाब ठंडा मीठा, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके पास कुछ स्वीट्स हैं और ठंडा ठंडे में इन्होंने आइसक्रीम जो है ये वो प्रोवाइड कर रहे थे। जी जनाब, अगला स्टेशन था जनाब हलवाई और साथ ही कोयटा वाली चाय। कोयटा वाली चाय ठंड हो और चाइना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो कोयटा वाली चाय भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर उसके साथ साथ आगे चलें तो कोयटा वाली चाय के बाद हम गए जनाब कसाई का अड्डा। इस पे आपको ये लाइव इन्होंने मीट रखा हुआ है, आपको जो भी चीज़ पसंद है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जहाँ से भी चाहें उसको बनवा सकते हैं। चाहे वो आप कढ़ाई वाले से बनवाएं, चाहे आपने बारबेक्यू बनवाना है तो आप बारबेक्यू वाले से भी बनवा सकते हैं। मशहूर तरीन बट कढ़ाई टिक्का भी यहाँ पर मौजूद था, जिसके पेज से हम पिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले और लाहौर वाले भी किसी हद तक वाकिफ़ हैं कि कैसा इनका टेस्ट है और ये क्या क्या आइटम जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आगे चलते हैं जनाब बाबे खैबर। यहाँ पे आके जो मीट लवर है ना, वो आप इसको देख के ही आप जो हैं वो पिघल जाएंगे और आपका दिल करेगा कि यार वाकई ही ये खाया जाए। तो इन भाई साहब ने देख के हमें जो है वो प्रॉपर चेक कराया अपना मीट, और आप देखें कितना जूसी और कितना टेंडर ये लग रहा है, इसको देख के खाने का दिल कर रहा था। तो जनाब ये था बाबे खैबर, जहाँ पे शनवारी और इस तरह के आइटम्स आपको मिल रहे थे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो अंगीठी, अंगीठी पे आपको तमाम बारबेक्यू मिल जाएगा, जिसमें फ़िश थी, डिफरेंट चिकन बारबेक्यूज, इस तरह की सारी चीज़ें अंगीठी पे मौजूद थीं। आगे चलते हैं जी, फिर आगे आपका काबिल गुड्डा, इसके पास तवा चिकन और इस तरह की चीज़ें इनके पास थी। आवाज़ आप सुन सकते हैं इसकी तवा चिकन की, ये भी जिसको पसंद हो, तवा चिकन पसंद हो, ज़रूरी आप इसको। चलते हैं जनाब अपने मेन्यू की तरफ। हमने सबसे पहले ऑर्डर किया इनका चीज़ नान। चीज़ नान देखने में तो बहुत अच्छा था, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ जो थी वो कम थी। इसमें जिस तरह प्रॉपर चीज़ी सा नान होता है ना, चीज़ नान, उस तरह का ये नहीं था। ये तंदूरी नान की तरह का था और इसमें थोड़ी कम चीज़ थी। तो एवरेज अगर इसको रेट करें तो 5 आप रेट कर सकते हैं आउट ऑफ 10। उसके बाद चिकन चीज़ बोटी बहुत अच्छी थी। चप्पल कबाब इनके बहुत टेस्टी थे। रेशमी हमने हांडी मंगवाई, बहुत अच्छी थी। उसके साथ जनाब हमने मंगवाया इनके नान पूरी, उसके बाद ये फ़िश प्लेटर, ये तमाम चीज़ें जो थी इनकी बहुत अच्छी थी। खाने के एंड पे हमने मंगवाया मीठा, मीठे में जलेबी और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन वाज टू गुड, जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप जलेबी ऑर्डर मत कीजिएगा। अगर आपने फिर भी ट्राई करनी हो तो उनको कहिएगा कि आपको गर्म ला के दें।
और खाने के एंड पे चाय ना हो, वो भी ऐसी ओपन स्पेस पे ओपन एयर बैठ के, तो ये हो नहीं सकता। तो ये था हमारा रिव्यू। ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। आप भी चाहें ज़रूर ट्राई करें। जब आप ट्राई करें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।